अभी कुछ दिनों पहले मैंने हेरा फेरी देखी, पहली बार नहीं बल्कि 9वीं बार, क्योंकि ये फ्रेंचाइज है ही इतनी ज़्यादा फनी और एंगेजिंग कि आप इसे चाहे जितनी बार देख सकते हो बिना एक भी सेकेंड बोर हुए। इसके फनी पंचेस, अमेजिंग स्लैपस्टिक कॉमेडी प्लस एंगेजिंग स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले इतना औसम है कि आज भी लोग इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं। हेरा फेरी फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो वो 31 मार्च 2000 को रिलीज हुई थी एंड ऑडियंस को फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी उस टाइम पे, क्योंकि फिल्म ने 7.5 CR के बजट के अगेंस्ट 17.8 करोड़ की मॉडरेट कलेक्शन की थी। पर फिर भी स्पेशली अक्षय कुमार एंड परेश रावल जी की परफॉर्मेंस की लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, जो कि वो डिजर्व भी करते थे। बट टाइम के साथ साथ ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई एंड राजू, बाबूराव एंड श्याम का कैरेक्टर लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बन चुका था। हेरा फेरी 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का ऑफिशियल रीमेक थी, जिसको डायरेक्ट किया था सिद्दीक लाल सर ने एंड हेरा फेरी के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन जी। अगर आप लोग नहीं जानते कि प्रियदर्शन जी कौन है तो मैं बता दूं कि इन्होंने हंगामा, भूल भुलैया, चुप चुप के, दे दनादन, भागम भाग, खट्टा मीठा, ढोल, हलचल, गरम मसाला, बिल्लू जैसे कुछ आइकॉनिक फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जिसमें से मोस्टली किसी और साउथ डायरेक्टर की या उन्हीं की कोई साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है। पर ये सभी फिल्म्स आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक बन चुकी है एंड लोग ये सभी फिल्मों को बार बार देखते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं ये फिल्म्स ऑडियंस के बीच। तो आप लोग जितनी बार चाहे उतनी बार प्रियदर्शन जी की फिल्मों को देख सकते हो, वो भी बिना एक सेकंड बोर हुए। हेरा फेरी ऑडियंसेस के बीच इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद मेकर्स ने इसका सेकंड पार्ट भी लाया, फिर हेरा फेरी, जो कि 9 जून 2006 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट नहीं किया था, बल्कि इसको डायरेक्ट किया था नीरज वोरा ने एंड उन्होंने ही इस फिल्म की स्टोरी भी लिखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली नीरज वोरा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। फिर हेरा फेरी ने 18 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 70 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कलेक्शन की। ऑडियंसेस को ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई एंड मेकर्स ने इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी हेरा फेरी 3 2015 में अनाउंस कर दिया। पर इस बार हमें अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम एंड अभिषेक बच्चन देखने को मिलने वाले थे, तो ऑडियंसेस ने भी इस अनाउंसमेंट वीडियो को वैसे ही इग्नोर किया जैसे मेरी क्रश ने मुझे किया, क्योंकि इसमें अक्षय सर नहीं थे। हेरा फेरी 3 में जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है और उन्होंने इस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को प्ले किया है कि उनको कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट सुनील शेट्टी का कैरेक्टर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो फाइनली एंड में हेरा फेरी 3 शेल्व हो गई, लेकिन फिर कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई कि फिर से हेरा फेरी 3 बनने वाली है। पर फिर वही गलती, इस बार अक्षय सर को रिप्लेस किया कार्तिक आर्यन ने। इस बार तो अक्षय सर ने भी कह दिया था कि देखो मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है एंड मैं इसका पार्ट नहीं बन सकूंगा। वो अलग बात है कि उसी टाइम उनको बच्चन पांडे एंड लक्ष्मी जैसी स्क्रिप्ट पसंद आ रही थी। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद ऑडियंसेस को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली जब उनको पता चला कि हेरा फेरी 3 बनेगी एंड अपनी ओरिजिनल कास्ट के साथ ही बनेगी। लेकिन फिर गड़बड़ी ये हो गई इनसे कि इन्होंने कहा कि हमारे डायरेक्टर होंगे इस बार लॉर्ड फरहाद साम जी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फरहाद साम जी कौन है तो बता दूं कि इन्होंने किसी का भाई किसी की जान एंड बच्चन पांडे जैसी कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की फिल्में बनाई हैं। हालांकि पहले हेरा फेरी 3 को इंदर कुमार डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने धमाल बनाई है क्योंकि प्रियदर्शन जी के प्रोड्यूसर के साथ कुछ लफड़े थे अपने। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री वालों के लिए फिल्म बाद में आती है, पहले अपने रिलेशनशिप्स आते हैं, इसलिए ये फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए दे दिया गया फरहाद साम जी को। ऑडियंस के दोबारा गलियाने के बाद ये खबर सामने तो आई थी कि फरहाद साम जी अब ये फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे, बट अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि हेरा फेरी 3 को कौन डायरेक्ट कर रहे हैं या कौन डायरेक्ट करेंगे। वैसे हेरा फेरी 3 की उसकी ओरिजिनल कास्ट के साथ एक अनाउंसमेंट वीडियो भी शूट हुई थी, लेकिन उससे रिलेटेड भी कोई अपडेट नहीं है। इनफैक्ट हेरा फेरी 3 का नाम इन्होंने हेरा फेरी 4 रखा हुआ है एंड क्यों रखा है इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन फिर हेरा फेरी की जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी एंड उसके आगे की यानी हेरा फेरी 3 की आधी स्क्रिप्ट नीरज वोरा जी लिख चुके थे एंड आगे की स्क्रिप्ट तो प्रोडक्शन हाउस वाले किसी से लिखवा ही लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले परेश रावल जी ने कहा था कि हेरा फेरी 3 बनेगी एंड 2024 के एंड तक वो रिलीज भी हो जाएगी। बट अब खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि हेरा फेरी 3 बनेगी भी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो वो कब फ्लोर्स पर जाएगी एंड रिलीज कब होगी। लेकिन सौ बात की एक बात, हेरा फेरी फ्रेंचाइज की इंडिया में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अभी भी इससे रिलेटेड सैकड़ों मीम्स आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे एंड वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। सो हेरा फेरी 3 के लिए तो मुझे लगता है हर इंसान वेट कर रहा है एंड जब भी ये फिल्म रिलीज होगी, अगर ये फिल्म एवरेज भी हुई ना तो भी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पैसे छापने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, ये तो आप लिख कर ले लो। बस वेट है तो सिर्फ हेरा फेरी 3 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का एंड रिलीज डेट का, ऑडियंसेस पागल हो जाएगी। तो इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं एंड आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर जो भी मैंने इतना ज्ञान दिया वो इंटरेस्टिंग अगर ज़रा सा भी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, जाके उनको देखो एंड पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।